गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं नाव पे बैठा हूँ और मेरे फैमिली लोग भी आए हुए हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मुतकुदीप और ये मुंगेली जिला के अंतर्गत आते हैं और मैं अपने फैमिली लोग के साथ जा रहा हूँ, जैसे कि ये मेरे दीदी है, सबसे बड़ी दीदी है और हम लोग अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। और चलिए चलते हैं दोस्तों, और हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैं भी अपना स्कार्फ लगाया हूँ और बहुत धूप है और हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं और अभी हम लोग सरगांव के पास पहुंचे हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और चलिए चलते हैं। गाइस हम लोग मतकुदीप पहुंच चुके हैं और यहाँ ईसाइयों का यहाँ मेला लगता है और ये मुंगेली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और हम लोग वहाँ गाड़ी पार्किंग किए हैं और इधर पुलिस भैया लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इधर रोक रहे हैं, इधर जाने के लिए मना कर रहे हैं। और चलिए चलते हैं आगे। और अभी मैं डैम पाइप के पास पहुँचा हूँ और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर नज़ारा है और यहाँ पास बहुत लोग नहा रहे हैं और इधर भी देख सकते हैं कि कितना सुंदर जो दीप है और मैं इसका मेला भी लगाया जाता है उसको भी दिखाऊंगा दोस्तों। और ये रहा हम लोग का मतकुदीप, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो गेट है और ये नाम से भी दिखाया जा रहा है। ऐसे हम लोग मतकुदीप पहुंच चुके हैं और ये रहा चश्मा और बहुत ही ज़्यादा है चश्मा, कोई भी ले सकते हैं आपस आके। और ये मोबाइल स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड यहाँ पर लोग भी ले सकते हैं। भाई मोबाइल स्टैंड कितना का भाई? ओ भैया। और जैसे कि भाई अभी थोड़ा बिजी है तो चलते चलते हैं आगे। मोबाइल स्टैंड पसंद आ रहा था मेरे को भी और दीदी लोग जाने के लिए बोल रहे थे तो मैं भी सोचा कि क्यों ना मैं भी चला जाऊँ बोल के, और इसलिए मैं घूमने के लिए आ गया थोड़ा सा। तो गाइस हम लोग जाएंगे अंदर और अंदर चलते चलते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हिंदू लोग का इधर मंदिर भी है और इधर पुलिस लोग भी यहाँ पास बैठे हुए हैं और सभी लोग घूम के आ रहे हैं। और ये ऋषि जी हैं, मांडक्य ऋषि, और बहुत कितना सुंदर लग रही है ऋषि। और बहुत ही अच्छा प्राचीन मंदिर है, प्राचीन अष्टभुजी श्री गणेश मंदिर, कितना सुंदर दिख रहा है। और लगने के लिए तो गेट लगा है। और ये शंकर जी का मंदिर है और मैं अंदर तो नहीं जा सकता, देख सकते हैं भगवान शंकर जी का शिवलिंग। मैं आपको दिखाया और मैं आपको और दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ है यहाँ और देखने के लायक बहुत ही अच्छा है और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राचीन मंदिर देखने के लायक और वीडियो बनाने के लायक, साथ ही फोटो खींचने के लायक दोनों ही है। आप लोग यहाँ आके भी फोटो खींच सकते हैं, देख सकते हैं कि। और ये राधा कृष्ण का मंदिर है, बहुत
बहुत ही सुंदर है राधा कृष्ण जी का, और इसको एक जने देख के तो जरूर खुश होंगे। और चलते चलते हैं तो गाय, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर है, और ये आप लोग भी अपने घर में एक बार बना के देखिए अगर बंदे हैं तो, और बहुत ही अच्छा होगा। और जैसे कि मैं आप उसको जूम करके दिखाता हूँ, सबसे पहले पानी इधर से आ रहा है, ऐसे ऐसे, तो चलिए चलते हैं आगे। और ख़ास बात यह है कि आप लोग भी यहाँ आ सकते हो, और ये संडे तक रहेगा, और मैं भाई से भी पता किया हूँ कि ये सोमवार तक खाली हो जाएगा, और संडे तक यहाँ रहेगा, और आप लोग भी यहाँ के मस्ती करें और घूमें यहाँ आके। और चल, और आपको आगे लेके चलते हैं वीडियो में। आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे कितना सुंदर मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं बच्चे लोग। और तो जैसे कि ये भी खेल है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहा बहुत ही सुंदर पकवान। तो भाई ये मेला कितना दिन तक चलेगा? सोमवार तक। सोमवार तक, रविवार को आधा टाइम, रविवार को आधा टाइम। तो कब से चालू है भाई ये मेला? ये है परमदिन से। परमदिन यानी कि दो दिन हो गए। दो दिन। तो आपका क्या नाम है भाऊ? हेमू जायसवाल। हेमू जायसवाल भाई, हेमू जायसवाल है, और दुकान खोला है होटल। और चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए चलते हैं, गन्ना रस पियेंगे, और मेरा गला भी सूख गया है और बहुत ही ठंडा होगा। तो अब आए हैं हम लोग, भाई दस रुपये बना दो। तो बहुत ही धूप लग रहा था और बहुत ही सूख गया था गला, और आए हैं पीने के लिए। मैं एक ऐसे जगह पर हूँ जहाँ सभी चीज़ उपलब्ध हैं, और चलिए मैं आपको जहाँ अच्छे अच्छे चीज़ है वहाँ लेके मैं आपको चलता हूँ। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये बैग हैं, और आप यहाँ से बैग लेके जा सकते हो, और उससे भी अच्छा है ये है जो ईसाइयों का जो वचन है उसमें दिया गया है, और यहाँ पास बैग भी बहुत है, और साथ ही बाइबिल है, पुस्तक है, और इसे तो आपको लेना ही चाहिए दोस्तों। और आप लोग यहाँ आके आप लोग देख सकते हैं, और ये बाइबिल का बुक है, और जितने भी ईसाई धर्म से रिलेटेड, जितना भी भगवान यीशु से, जितना भी उसके द्वारा लिखा गया है, ये सब इसमें संग्रहित है। गाइस, जैसे कि मैं आपको एक और जगह में लाया हूँ, और जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो प्रभु यीशु है उसके द्वारा जो लिखा गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसे, और बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। और आप लोग भी इधर देख सकते हैं, और जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। और इसी प्रकार यहाँ प्रभु यीशु का बाइबल है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, और बहुत ही अच्छा है प्रभु यीशु का। और जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, और क्योंकि दोस्तों आप लोग ईसाई लोग का मेले में आए हैं, तो इसी से धर्म से रिलेटेड जो भी मिलेगा, इसी से रिलेटेड मिलेगा। और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों कि मैं यहाँ पास आया हूँ, और मेरा मन भी बहुत शांत है, और अच्छा लगता है दोस्तों कि हर किसी के धर्म में जाना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए दोस्तों। और चलिए मैं और आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को। हाल ही में महामहिम अनुसुईया उइके यहाँ वृक्षारोपण किया था, जिसका मैं और आपको दिखाता हूँ। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि महामहिम राज्यपाल श्री अनुसुईया उइके जी द्वारा वृक्षारोपण किया गया था, और जिसको मैं देखने के लिए तो नहीं आया था, और ये है वृक्षारोपण। तो गाइस, मैं आपको जो जिसके लिए हम लोग आए थे देखने के लिए, मैं उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, और जिसके नाम से मेला भी लगाया जाता है, और उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों।
और चलिए चलते हैं जो द्वीप मधुकु द्वीप के नाम से जो प्रसिद्ध है उसी स्थान का मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और चलिए चलते हैं। और ये रहा नीचे का सीढ़ी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये है मधुकु द्वीप। और ये रहा वो जीप बीच बीच में जो है बीचों बीच, जैसे कि आप लोग लास्ट से शुरू तक देख रहे हैं दोस्तों। और इसी को मधुकु द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी के पर्व पर यहाँ मेला लगाया जाता है, ईसाई भाइयों लोग का मेला होता है यहाँ। और उसके धर्म में बहुत ही लोग यहाँ आते हैं और बहुत खुशियों से यहाँ मेला मना के जाते हैं। और वहाँ नाव भी चल रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को। और ख़ास बात तो यही है दोस्तों। और उधर से हम लोग आए थे। और चलिए चलते हैं दोस्तों। और ये रहा यहाँ पास आके बैठ भी सकते हैं। और भाषण सुन सकते हैं आपस। और बहुत ही जनसंख्या में आए हैं और बहुत ही मन को शांति मिलता है दोस्तों यहाँ आने से। मन पवित्र तो सब पवित्र। तो गाइस मैं आया हूँ नाव चढ़ने के लिए। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पानी, और इसमें भी मैं भी डोंगा में चढ़ूँगा और मेरा भी मन है डोंगा चढ़ने का। और मेरा फैमिली लोग आए हैं और मैं थोड़ा सा पीछे रह गया था दोस्तों। और चलिए चलते हैं डोंगा में चढ़ेंगे। नाव चढ़ने का मौका मिला है और इसको गंवाना नहीं चाहते क्योंकि मैं तो अपने पैसा में चगने वाला नहीं हूँ। और चलिए चलते हैं और हम लोग नाव चढ़ेंगे दोस्तों। तो मैं नाव में आ गया हूँ और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे फैमिली लोग, और मोबाइल जाएगा तो चला जाएगा काम। Trust me, love when you put your hands on me. Trust me, watch me, give you work your time. Trust me, love when you put your hands on me. Guys, जैसे कि मेरे पास पैसा आ गया है और वो मोबाइल स्टैंड मेरे को बहुत पसंद आ गया दोस्तों, क्योंकि मैं घर में भी वीडियो बनाता रहूँगा। और बहुत ही अच्छा है दोस्तों वो स्टैंड, और उसको मैं दो बार देख चुका हूँ। और फिर पैसा मांग के आया हूँ दोस्तों और मैं स्टैंड लेने जा रहा हूँ दोस्तों। और चलिए चलते हैं। फर्स्ट बार भी मेरा मन आ गया था दोस्तों उसको लेने के लिए, तो चलिए चलते हैं दोस्तों। और ये हमें आ गया दोस्तों और मोबाइल स्टैंड। तो जैसे कि मैं ये ले रहा हूँ और मैं ये ले लिया दोस्तों। मैं फर्स्ट बार में ही मेरा वीडियो उसको देखा तो मेरा पसंद आ गया था दोस्तों। और भाई पैसा गिर है। और चलिए चलते हैं दोस्तों। और जैसे कि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, और हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन घंटे को प्रेस करके वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। और धन्यवाद दोस्तों। और चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही है।